ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को दाखिल करनी थी, लेकिन अब इसके लिए एक सप्ताह का और समय मांगा गया है। अदालत ने ASI को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे, जिसे अब बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया गया है। बोलिए, आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल की है और एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तबीयत खराब हो गई, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए एक हफ्ते बाद इस मामले में अब रिपोर्ट दाखिल की जाएगी और 18 दिसंबर इस केस में अगली तारीख नियत की गई। ये कितनी बार ये वक्त मांग लिया गया है? मुझे लगता है अब ये अंतिम बार है, लास्ट अपॉर्चुनिटी कोर्ट ने दी है और 18-12 को ASI को अपनी रिपोर्ट अब दाखिल करनी होगी कोर्ट के सामने। अभी ये आज कोर्ट ने कुछ विशेष हिदायत भी दी है क्या? नहीं, कोर्ट ने कहा है कि ऐसी जो आपने रिपोर्ट फाइल की है या जो भी तैयार की है वो आप 18 तारीख तक फाइल कर दीजिए, और ASI के सुपरिटेंडेंट का क्योंकि BP बढ़ गया है इसलिए 18 दिसंबर तक उनको अब अपनी रिपोर्ट फाइल करने का समय दिया है। क्या उम्मीद है कि अब उम्मीद ये है कि अगली डेट से पहले उनका BP नॉर्मल हो जाएगा और रिपोर्ट फाइल होगी। ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सिविल वजू खाने को लेके आप लोगों ने सर्वे की मांग की है? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में आगे आने वाले समय में इसकी सुनवाई होगी। खाने को लेकर भी थी उसमें, उन्होंने कहा आदेश जो है गुरुवार को देखेगा, अगले थर्सडे तक देखिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? आज कोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन दायर की और ये कहा है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ ASI है उनकी तबीयत बिगड़ गई है, उनका BP बढ़ गया है, इसलिए वो आज रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने 18-12 की डेट लगाई है।